इंडियन टीव्ही न्यूजच्या बुलेटिनमध्ये आपले स्वागत आहे. चला तर नजर टाकायचं काही विशेष घडामोडींवर. मुसळधार पावसाने सध्या शहरातील अनेक ठिकाणी पाणी साचले आहे. अनेक ठिकाणी लोकांच्या घरात पाणी शिरले असून अनेक रस्तेही पाण्याखालीच आहेत. चोहीकडे पाणीच पाणी असल्याने दुर्गाडी येथील अनेक नागरिक घरात अडकून पडले. काँग्रेसच्या अल्पसंख्याक विभागाचे जिल्हाध्यक्ष सलीम शेख यांना सदर घटना कळताच त्यांनी मागचा पुढचा कोणताही विचार न करता अडकलेल्या रहिवाशांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यासाठी धाव घेतली. सलीम शेख व त्यांचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते यांनी होडीतून स्वतः पाण्यात उतरून नागरिकांना सहाय्य केले. सलीम शेख यांचे हे रेस्क्यू ऑपरेशन हा शहरात सध्या चर्चेचा विषय बनला असून त्यांच्या या कृतीचं सर्वत्र मोठं कौतुक होतं आहे. दुर्गाडी येथील नागरिकांना सलीम शेख यांच्यासह शिफा महशर, फिरोज सय्यद, संगीता नाईक नवरे, रुमन खटाटे, मंदा मावशी, नाझिया शेख, साहिल शेख, नूरझा शेख, सुशील प्रसाद, अजय फुमाकिया, दानिश शेख, फिरोज गाझी, बसीन सय्यद, नसरीन शंगर, शिरीन शेख, चांद सय्यद, रफीक शेख, तसेच रहमान व मुज्जू यांनी आपले जीव धोक्यात घालत वाचवले. दरम्यान या नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आलं असून त्यांची सर्व प्रकारची व्यवस्था देखील करण्यात आली आहे. तुम्ही जेवायची व्यवस्था कुठे तुम्ही प्रशासन काय लक्ष दिलं काहीच नाही दिलं काय लक्ष नाही. हे हाल आहे तुमचे जेवणाखाण्याचे काय बंदोबस्त काहीच नाही. रात्रीपासून आम्हाला काहीच नाही काय ना पाणी प्रशासन कोण आले कोण सुटग्याला आलं नाही कोणीच नाही आलं. हे हाल आहे कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकाचे आयुक्तचे जो दोन भरचे लीडर कोरोनाचे अंदर त्यामुळे बहुत अच्छा काम किया गरीब को अहवाल मिला हुआ लेकिन दो दिन से इधर की गरीब जनता रेती बंदर की जो पानी के अंदर है ना उनका खाने का ठिकाना है ना उनको कोई यहाँ से बोट का बंदोबस्त से बाहर निकलने के लिए. और प्रशासन को भी मैंने वार्ड ऑफिसर को फोन किया था वो बोलता है कि भाई खाली बस आ रहा है लेकिन अभी तक इधर कोई बंदोबस्त आया नहीं उनका. और मैं मानता हूँ कि एक PDMC जो है ये रेती बंदर एरिया है जो गोविंदवाड़ी दूधना का ये चमारवाड़ा जो एरिया है इसके ऊपर पूरी तरह से इनका नज़रअंदाज करके हमेशा के लिए ये हर साल की तकलीफ होती है इधर के रहवासियों को और इनका कोई इसके ऊपर नियंत्रण होता नहीं है. इनको जब मालूम रहता है कि इधर पानी इतना भरता है डैम छोड़ा जाता है तो इनको इधर पूरा बंदोबस्त करना चाहिए. ये गोर गरीब लोग जो इधर के इनके खाने पीने के लिए आते हैं लेकिन ये प्रशासन कभी और KDMC की तरफ से कभी इनको कोई मदद मिलती नहीं है. तो मेरी आप के जरिए उनसे निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी ये वीडियो उन तक पहुँचे और उन लोग यहाँ पर आके गोर गरीब जनता का जो है रक्षा करें, इनका संरक्षण करें, इनको बोट का बंदोबस्त करें, इनके खाने पीने का बंदोबस्त करें, इनका रहने का बंदोबस्त करें. देखो अगर ये 11-12 बजे तक समझ में आ रहा है हाई टाइड है अगर ये 2 बजे तक कम नहीं हुआ तो हो सकता है ये तीसरा दिन भी इन लोग थोड़ी पानी के अंदर ये रहेगा. तो अभी ये खाने पीने का मैंने अभी एक जगह पर किया हूँ और 12-1 बजे तक इनको खाना पीना आ जाएगा इन शाला इन लोग पूरा क्या करेंगे इतना मेरे से हो सकता है मैं उतना कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ का जिला अध्यक्ष हूँ माइनॉरिटी का और मेरी पूरी टीम इससे लगी हुई है सुबह से अलग अलग जगह पे जाके ये काम कर रहे हैं और 12-1 बजे तक हमारा अपनी तरफ से खाने का बंदोबस्त है वो भी हम लोग कर रहे हैं इतना मैं बोलूँगा लेकिन प्रशासन की तरफ से ये इनको मदद मिलनी चाहिए. देखिए लोगों के दो एक एक माले तक घर पूरा डूब के पानी में चला गया है तो ये उधर का उनका भी खुद का घर एक उधर है जो वहाँ से बच के यहाँ पे आए हैं. आए हम रहे इधर सहारा लिए एक बिल्डिंग के अंदर ट्रेन को दे ले हम लोग हम खाना पीना दे रही है लाके पब्लिक का. प्रशासन क्या कर रही है प्रशासन का क्या काम है सो गई है प्रशासन सो गई है. नगर सेवक का क्या हाल है कुछ नहीं कोई फड़क के नहीं दिख रहा इधर सिर्फ वोटिंग के टाइम पे नगर सेवक आती है बराबर नगर सेवक आते हैं सब सो गए लेकिन 12 घंटे हो चुके हैं पानी भर के लेकिन लोगों को कोई सुविधा नहीं की गई है. सिर्फ यहाँ के जो आम नागरिक है और जैसे कि मैं एक अध्यक्ष उपाध्यक्ष हूँ कल्याण डोंबिवली शहर अल्पसंख्या विभाग से कांग्रेस से तो इनकी हम मदद कर रहे हैं यहाँ से इनको शिफ्ट किया जा रहा है और इनको खाने के पैकेज भी आपको तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हर साल का यही हालात है. मैंने एक एप्लीकेशन भी डाला था यहाँ के गटर और नाले की साफ सफाई के लिए इस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया. ब्यूरो रिपोर्ट इंडियन टीवी न्यूज.
आमचे संपर्क साधायचा असल्यास स्क्रीन मध्ये दिलेल्या क्रमांकाशी संपर्क साधू शकतात 9320420420। तर आता वेळ झाली निरोप घेण्याची, उद्या पुन्हा भेटूया याच ठिकाणी, तोपर्यंत धन्यवाद।